तो उत्तराखंड में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल कर ली है। तमाम विधायक जीत की खुशी में ढोल नगाड़ों के साथ झूमते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ जनता का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसे में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से कराने जा रहे हैं, सविता कपूर जिनका नाम है, और यहाँ पर हरवंश कपूर, पिछले साल ही उनका निधन हुआ, उनकी पत्नी है। सविता जी, सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ वन इंडिया में। नमस्कार न्यूज़ वन इंडिया, धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। सविता जी, देखिए ये पहली मुलाकात नहीं है न्यूज़ वन इंडिया के साथ, आपकी से पहले भी कई मुलाकातें आपकी न्यूज़ वन इंडिया के साथ हो चुकी है, लेकिन जीत के बाद ये पहली मुलाकात है, तो ऐसे में सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सविता जी। गढ़ी कैंट की जनता ने बहुत प्यार दिया है और पहली बार नहीं 40 सालों से लगातार दे रही है। हरवंश कपूर इस नाम को कोई भुला नहीं सकता, 40 सालों से लगातार जीतते आए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, बहुत वादे किए, स्कूटर से निकलते थे, आम जनता के बीच पहुंचते थे, और शायद यही प्यार है कि उनके ना रहने के बावजूद भी आम जनता के दिल में वो बसे हुए हैं, और वही प्यार उन्होंने इस बार आपको दिया है, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत मैं जनता का, अपने वोटर्स का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूं, जितने की जिन्होंने की कपूर साहब को श्रद्धांजलि स्वरूप इतने अधिक मतों से विजयी बनाया जी। और पूरे वर्ष भर हमने निरंतर, कपूर साहब ने इतने कार्य किए हैं जनता के लिए, हर परिवार से उनका संबंध जुड़ा रहा था, सभी जनता का, सभी वोटर्स का और सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात एक करके पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान में लगे रहे, सभी का मैं हार्दिक आभार और धन्यवाद करती हूँ। अपने पार्टी शीर्ष नेतृत्व का भी, जिन्होंने मुझे जनता की सेवा का एक अवसर दिया है और ये इतने अच्छे मतों से हम लोग जीत कर आए हैं। उत्तराखंड में भी हमारी बीजेपी सरकार बनने जा रही है, सभी का मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सविता जी, बहुत वादे यहाँ पर किए गए थे और आपने भी वादा किया था कि प्रेम नगर में एक छोटा सा स्टेडियम आप बनाएंगी ताकि खेल स्पर्धा को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? बहुत वादे, बहुत दावे किए गए थे, कितनी मुश्किलें होंगी और किस तरह की हिम्मत जुटा रखी है? नहीं, मुश्किल तो कोई नहीं है, जब मैदान में आ गए हैं तो जनता की सेवा के लिए ही हमें मैदान में उतरे हैं, और जैसे कपूर साहब का भी एक सपना था कि हम स्टेडियम का निर्माण के लिए, और जल्दी जैसे सरकार गठन होगा और हम इसको पहले प्राथमिकता के आधार पर इसको लेंगे और अपने युवाओं को, प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा, इससे उनको जगह की भी उपलब्धता होगी, इसी को आधार मानकर स्टेडियम बनाने का, मिनी स्टेडियम बनाने का वहाँ विचार है। बिल्कुल सविता जी, इसके अलावा और भी बहुत सारे वादे हैं, देखिए आप भी महिला हैं, मैं भी महिला, उत्तराखंड में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों से वंचित हैं, आज भी पहाड़ों में हम देखेंगे तो वंचित हैं। अगर हम गढ़ी कैंट की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको लाभ नहीं मिला है, क्योंकि जब न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा था तो बातचीत करने की कोशिश की, जो वो महिलाएं बची हैं, जो वो मासूम बच्चे हैं जिन तक विकास पहुंचना चाहिए, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़कें हो, तमाम चीजें हैं, उसको लेकर पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी, क्योंकि इस बार मौका आपका है। तो हाँ, पहले तो ये हमारी कैंट विधानसभा सीट है, खाली गढ़ी नहीं है, कैंट विधानसभा सीट है और 21 विधानसभा से है और 21,000 मतों से ही हम विजयी हुए हैं, तो हमारा तो इसी पे है, मुख्य रूप से शिक्षित, समर्थ और स्वस्थ नारी, इसको लेकर हम कार्य करेंगे। और माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने अनेकों योजनाएं महिलाओं के लिए उन्होंने की हैं और उन योजनाओं का फायदा भी महिलाओं ने लिया है, और हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा, हमारी उत्तराखंड सरकार गठन हो जाएगा तो महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए उनके लिए कार्य करेंगे। इस जीत को आप किसको समर्पित करती हैं? ये जीत माने स्वर्गीय कपूर साहब जी को नमन करते हुए उनको हम करते हैं, उन्हीं के योगदान का, उन्हीं के कार्यों का ही जनता ने श्रद्धांजलि स्वरूप इतने अच्छे वोट हमें दिए हैं, उन्हीं को नमन करते हुए उनको समर्पित करते हैं।
ठीक है सविता जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, और बखूबी जो विजयी आप हुई है, आप इन 5 सालों में यूं ही मेहनत करें और जो आपने वादे किए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप बखूबी उन तमाम वादों को पूरा करेंगी, क्योंकि हरवंश कपूर भी यही चाहते थे और लगातार उन्होंने विकास किया है, और यही वजह है कि उनकी धर्मपत्नी सविता कपूर इस बार मैदान में थी और उन्हें भी वही प्यार मिला है जो हरवंश कपूर को लगातार मिलता रहता था।